मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले कांग्रेस लगातार बिखरती जा रही है। पहले सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर कमलनाथ सरकार को गिरा दिया और इन सभी ने बीजेपी का दामन थामकर बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज करा दिया। इसके बाद प्रद्युम्न सिंह लोधी और फिर सुमित्रा देवी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली और आज मांधाता से विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शाम को शामिल होंगे। तो बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और कांग्रेस के अंदर हो क्या रहा है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं जिसको जाना है जाए, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा सवाल ये है कि फर्क कब पड़ेगा। एक के बाद एक विधायक आपसे छूट रहे हैं, आपकी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, फिर भी यदि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर किसके इंतजार में है कांग्रेस। मानदाता के 175 विधानसभा सीट खंडवा जिले की नारायण सिंह जी पटेल साहब ने 22 तारीख को मुझसे भेंट करके उन्हें अपना इस्तीफा दिया था। मैंने पटेल साहब से आग्रह पूर्वक कहा था कि एक बार सोचिए विचारिए फिर आप मुझे बताइए। तो आज वो 23 तारीख को पुनः उपस्थित हुए और पटेल साहब ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, जो मैंने आपको 22 तारीख को इस्तीफा दिया था आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं अपनी राजी खुशी से और इच्छा से विधानसभा पद से इस्तीफा दे रहा हूं, सदस्य पद से, और इस आग्रह के साथ आज मैंने उनका इस्तीफा उनकी राजी खुशी रजामंदी के साथ स्वीकार करूं।